देश में कंपनियां तेजी से एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। इसी के साथ एक के बाद एक नए 5G फोन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 5G फोन की कीमत को लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय है। क्योंकि भारत में बजट स्मार्टफोन ज़्यादा बिकते हैं, ऐसे में कंपनियां यहां कम कीमत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारियां कर रही हैं। देश में सफलतापूर्वक 5G फोन्स का डेमो होने के बाद अब बाज़ार में इस बात को लेकर होड़ मची है कि सबसे कम कीमत पर कौन सी कंपनी 5G स्मार्टफोन लेकर आएगी। मोटोरोला और शाओमी के भारत में 20,000 की कीमत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद अब खबर ये भी है कि नोकिया भी इससे कम कीमत पर 5G फोन लॉन्च कर सकती है। हालांकि कंपनी ने इस खबर की औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान नोकिया बनाने वाली मोबाइल फ़ोन कंपनी HMD ग्लोबल के उपाध्यक्ष ने कहा है कि 2021 में कंपनी भारत के डिमांड को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दामों में स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। साथ ही आने वाले कुछ साल में कंपनी भारत के बाज़ार को ग्लोबल एक्सपोर्ट बनाने की दिशा में भी काम करेगी। आपको बता दें कि भारत में एयरटेल का कमर्शियल 5G ट्रायल करने के बाद जियो ने भी इस साल के अंत तक 5G लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में भारत दुनिया के बाज़ारों के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन भी बिके। ऐसे में साफ है कि स्मार्टफोन की दुनिया में भारत के बड़े बाज़ार को देखते हुए कंपनी या एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं, और इसका सीधा फायदा शायद भारत के स्मार्टफोन के यूज़र को ही होगा। क्रिस्टल क्लियर।